मोदी सरकार 2 का 1 वर्ष के कार्यकाल को भाजपा नेताओं ने 1 साल बेमिसाल करार देते हुए कहा कि सरकार ने अपने 1 साल के कार्यकाल के दौरान कई ऐतिहासिक फैसले लिए, जिनमें जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाना, अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण कार्य करवाना, जम्मू कश्मीर में डोमिसाइल प्रमाण पत्र लागू करना। देखिए इस पर सोहन चौधरी की खास रिपोर्ट। बड़ी उत्साहित है कि हम दूसरा टेन्योर शुरू हो गया, हमारा 1 साल हो गया है। 6 साल मोदी जी के पूरे होने के ऊपर 6 साल बेमिसाल जब वो नारा पार्टी ने दिया, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी जिला आरसपुरा का हर कार्यकर्ता बूथ स्तर के ऊपर जाके जितने भी हमारी उपलब्धियां हैं, चाहे वो 370 का तोड़ना हो, 35 का ख़त्म करना हो, राम जन्मभूमि का जो विवाद था उसको ख़त्म करके वहाँ एक भव्य मंदिर का निर्माण हो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट जहाँ पे लागू हो रहा हो, ट्रिपल तलाक का हो, जहाँ और कई ऐसे हैं जो गरीबों के लिए सामान के लिए जो उन्होंने गरीब निधि शुरू की हुई है, जितने भी प्रोग्राम उन्होंने किए हम लोगों के बीच में लेके जा रहे हैं, ताकि जो हमारा मैनिफेस्टो था, जो हमने वायदे किए थे इलेक्शन के दौरान में, हमने उनको पूरा करने का पूरा प्रयास किया है। मोदी जी की सरकार में जितने भी काम हमने किए हैं वो सब लोगों के बीच में लेके जाएंगे और लोगों को ये बताएंगे, क्योंकि ये गरीबों की सरकार है, गरीबों के हित के लिए हर संभव प्रयास मोदी सरकार कर रही है। और हमारा कार्यकर्ता ये धर्म बनता है कि हम इसका प्रचार और प्रसार पूरे जाके अपने अपने कार्यकर्ताओं के बीच लोगों के बीच में जाएं और रहें, कहीं भी कोई फिर भी कहीं कमी को रहेगी उसको दूर करने का पूरा हम प्रयास करेंगे। और ये जो 30 तक हमारी बहुत जितनी भी हमारे जहाँ पे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सभी अपने अपने जिलों में, अपने अपने मंडलों में जाके, अपने अपने क्षेत्रों में जाके काम कर रहे हैं लोगों के बीच में। और कोरोना जो महामारी मची हुई, इसके भी जो हमने काम किए हैं, जैसे लोगों के जनधन खाते में 500 रुपये का डलवाना, फ्री राशन बांटना, मुफ्त मास्क बांटने, सैनिटाइजर देना, और जितना भी जो भी लॉकडाउन के दौरान गवर्नमेंट की तरफ से जो लॉकडाउन को सफल करने के लिए जो प्रयास रहे उसको हमने पूरा करने का प्रयास किया है। और हम इसी तरह मोदी जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ते जाएंगे और जो लोगों के साथ किए हुए वायदे हैं मैनिफेस्टो में उसको हम पूरा करने का भरपूर प्रयास करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, मोदी सरकार का ये दूसरे टेन्योर का 1 साल आज पूरा हुआ है। मैं इस 1 साल पूरा होने पे पूरे देशवासियों को आज के दिन पे के लिए मुबारकबाद देता हूँ। और मोदी साहब के जो किए हुए वादे, जैसे आपने देखा आज वो सारे वादे पूरे हुए, जैसे 370, 35A तोड़ के एक जम्मू कश्मीर में एक नया इतिहास रचा, उसके साथ साथ हमारा जो लगभग 500 साल पुराना राम जन्मभूमि का जो मसला था वो भी हल हुआ और 26 तारीख को राम मंदिर का निर्माण का जो कार्य शुरू हुआ, उसके लिए मैं सभी देशवासियों को धन्यवाद देता हूँ। साथ साथ जो ट्रिपल तलाक का मसला था वो उन्होंने हल किया। उसके बाद जो हमारे जम्मू कश्मीर में रिफ्यूजियों को जो 5-5 लाख का पैकेज देके जो एक बहुत बड़ा जो पुरानी मांग थी वो हल की, और लेटेस्ट जो डोमिसाइल का मसला हल किया, और तमाम लोगों को जैसे वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी थे, जहाँ हमारे गोरखा समाज के लोग थे, जहाँ हमारे जो अपने वाल्मीकि समाज के लोग थे, उनको आम लोगों के साथ मेन धारा में जोड़ा। मैं इसके लिए पूरे देशवासियों को और ख़ासकर जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि उनकी जो आने वाली रिक्वायरमेंट है, जो डिमांड्स हैं, मोदी सरकार वो भी पूरा करेगी और अपने किए हुए वादों पर पूरा उतरेगी। जय हिंद, जय भारत। प्रवक्ता आरसपुरा राजीव गुप्ता। आज मोदी सरकार जी के जो 6 साल पूरे हुए हैं, उनके दूसरे कार्यकाल में उनका 1 साल और पूरा हो गया है, उसके बीच में जो उन्होंने ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, जैसे जम्मू कश्मीर से 370 को हटाना, 35A को हटाना और मंदिर निर्माण का कार्य करवाना, ये सब ऐतिहासिक फैसले उन्होंने लिए हैं। इसका मैं केंद्र सरकार का बहुत धन्यवाद करता हूँ और राज्य सरकार का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जो 70 साल से ये कांग्रेस जो भेदभाव करती आ रही थी, किसानों के साथ भेदभाव करती आ रही थी, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों के साथ भेदभाव करती आ रही थी और गोरखा लोगों के साथ भेदभाव करती आ रही थी, आज वो सब चीज़ों पे जो मोदी सरकार ने जो किया है वो एक ऐतिहासिक फैसला है।
बेस्ट पाकिस्तानी पूंजियों को उनका हक दिया गया है और जो पाकिस्तान बेस्ट पाकिस्तानियों को उनका हक दिया गया है और आज हर रिफ्यूजी को उसका हक मिला है और जो हमारे जम्मू में ऐतिहासिक फैसले हुए हैं वो सब प्रशंसनीय है। मैं इसमें केंद्र सरकार का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ और राज्य सरकार का भी हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। हमारे अध्यक्ष जी हैं रविंदर रैना जी, मैं उनका भी हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। अशोक कोल जी का धन्यवाद करता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार ने जो जन जन योजना में जो आज लोगों के खाते में एक एक 500 का नोट आ रहे हैं और लोगों को इतना राशन वितरण किया गया है, हर तरीके से जो प्रवासी थे, बाहर के लोग प्रवासी थे, उनको हमने इतना अनाज प्रोवाइड करवाया कि किसी को भूखे सोने नहीं दिया। और हर मेरे साथी का फर्ज बनता था कि वो किसी भी शरणार्थी को भूखे ना सोने दे और हमने यही किया। आज हमारी पार्टी बहुत उपलब्धियों पर है, इसीलिए है कि हमारी कार्यप्रणाली यही है। धन्यवाद। मैं राकेश कुमार, जिला सचिव आरसपुरा। आज नरेंद्र मोदी सरकार की 30 मई को जो सरकार का एक वर्ष कार्यालय का पूरा होने जा रहा है, मैं इस कार्यालय के भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय को बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने काम किया है और उन्होंने भारत के लिए कई सफलता कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। उसमें ऐतिहासिक फैसलों में हमारा जम्मू कश्मीर भी एक ऐतिहासिक फैसलों में जिसमें 370 धारा उन्होंने उसको तोड़ा है और नया एक डोमोसाइल जहाँ पर एक नया कानून लाया है जिसकी लाभ जो है हमारे देश के जो लोग थे, जैसे रिफ्यूजी लोग थे, अल्पसंख्यक कुछ लोग थे जिनको आज तक यहाँ की मान्यता नहीं थी, तो उस डोमिसाइल का उन लोगों को बहुत लाभ मिलेगा। और भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत ऐतिहासिक कार्यक्रम रखे किए हैं जो सफलतापूर्वक हमारे देश के लिए, जैसे उड़ी स्ट्राइक का बदला लिया, उड़ी स्ट्राइक का रिवेंज लिया था, फिर यहाँ पे बालाकोट में एयर स्ट्राइक करके दुश्मनों के दांत खट्टे किए थे। मैं अपने प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने देश के ऐतिहासिक फैसले लिए और देश को आज उन्नति के अग्रसर पथ पर चल पा रहे हैं। महामारी के से जूझ रहा है, उस कोरोना महामारी के बावजूद भी आज भारत के प्रधानमंत्री ने देश के हर गरीब तक राशन पहुँचाया है, देश के हर गरीब लोगों के खाते में पैसे डलवाए हैं। आज देश फिर धीरे धीरे उस पटरी पर लौट रहा है जहाँ से हमारा देश जो है एक तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहा है। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने बहुत ही ऐतिहासिक और सफलतापूर्वक फैसले लिए हैं जिससे हमारा देश जो है आगे की राह की ओर बढ़ रहा है।